रेस थ्री को क्या पीछे कर पाएगी या नहीं? लुक, यू एंड आई नो द फैक्ट दैट रेस थ्री स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, बट अल्टीमेटली यू नो दिस पर्टिकुलर मूवी इज अ बायोग्राफी, राइट? सो आई डोंट थिंक सो कि एनी वे एनी वन इन दिस कंट्री वुड नॉट लाइक टू सी दिस पर्टिकुलर मूवी. रेस थ्री पीपल केम अप फॉर द लव ऑफ सलमान, राइट? बट दिस मूवी पीपल विल कम अप नॉट ओनली फॉर रणबीर बट ऑल्सो फॉर संजय दत्त लाइफ एज वेल. सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू बीट इन अ वीक्स टाइम. दैट्स व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा, पास में रेस थ्री आई थी, क्या वो क्रॉस कर पाएगी रेस थ्री को ये फिल्म? मतलब कि तीन पाँच दिन में कर जाएगी भाई, एक हफ्ते में कर जाएगी, उनसे तो कंपेयरिंग ही नहीं है. अब इंडिया में फैक्ट ये है कि सलमान भाई की पिक्चर हमेशा ज़्यादा हिट होती है, ज़्यादा कमाती है, बट अगर एक्टिंग के लेवल में देखोगे तो रेस थ्री का लेवल ही नहीं इस पिक्चर के सामने. बिजनेस में भी तोड़ देगी, बिजनेस में आराम से तोड़ेगी. कुछ नहीं है रेस थ्री, मतलब चलो पैसों के मामले में नहीं देखा जाएगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो भाई यही फिल्म की होने वाली है. क्या उसको क्रॉस कर जाएगी या नहीं फिल्म? उससे बिल्कुल ज्यादा ही क्रॉस कर जाएगी, बिकॉज एक्चुअली फर्स्ट डे फर्स्ट शो जब मैं लेने आई थी तो पूरा हाउसफुल था, इतना रेस थ्री का भी नहीं था. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. क्या लगता है रेस थ्री को पीछे करेगी या नहीं? रेस थ्री इज नॉट इवन एन ऑप्शन, यू कांट कंपेयर संजू विद रेस थ्री एट ऑल. नो नो, थैंक यू सो मच.